मॉडर्न क्वार्टर्स आज तजब्जुब का शिकार हैं। उनके बच्चे, उनके बूढ़े सब परेशान हैं कि किस वक्त उन्हें बिल्डोज करके उनके मकानों को, उनके सरों से छतें छीन ली जाएंगी। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये ज़मीन कल आगा खान को दी जाएगी और उसके ऊपर गवर्नमेंट से बातचीत हो गई और मुत्तहदा ने अपनी कीमत वसूल की है उसके ऊपर खामोशी इख्तियार करने की। सुप्रीम कोर्ट से हकायक छुपाए गए उन अफसरों, ये असल में अफसरों और बिल्डरों, बिल्डर माफिया की मिली भगत है। यहाँ जमीन अरबों रुपए की है, उसको हड़प करने का मंसूबा है। ये काबिजीन नहीं है, ये यहाँ के रिहायशी हैं जिनको अलॉट हुए हैं। काबिजीन हैं तो कराची भर में कब्जा हो रहा है। चले मेरे साथ इत्तेहाद टाउन, चले मेरे साथ नेशनल हाईवे, चले मेरे साथ सुपर हाईवे। कराची की जमीन पर, रेलवे की जमीन पर कब्जे हो रहे हैं। मैं पुलिस से भी कहना चाहता हूँ ये काबिजीन नहीं है, ये यहाँ के रिहायशी हैं, बानियान पाकिस्तान की औलाद हैं। कराची में पाकिस्तान बनाने वालों और इनकी औलादों पर जमीन तंग, पुलिस हमला आवर हो गई। खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों, जवानों पर पुलिस तशद्दुद ने कराची के अमन अमान की बेहतर सूरत हाल को दाव पर लगा दिया है। कराची से इख्तदार में आने वाली पीटीआई और इतिहादी एमकेएम मुतासरीन पुलिस के लिए कुछ नहीं कर सके। कराची में अफगानी, बंगाली, बर्मी सब आबाद और गैर कानूनी काबजीन है, लेकिन उन पर हुकूमत और इसके इदारे और साफ करने वाले खामोश हैं। माजी में एमकेएम ने जमशेद क्वार्टर्स, मार्टन क्वार्टर और दीगर विफाकी इदारों में रिहाइश पजीर सरकारी मुलाजमीन और रिहाइशियों को जगह अलॉटमेंट कर दी थी, लेकिन अदालत के फैसले के बाद इन मुतासरीन का मुकदमा कोई नहीं लड़ रहा है। एमकेएम शहर कायद की जमात और विफाकी वजीर कानून भी उनका है जो मसला हल कराने में अहम किरदार अदा कर सकता है। कराची में पाकिस्तान क्वार्टर्स के रिहाइशियों के मुमकिन बेदखली के खिलाफ मुजाहरे के दौरान पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया, जिसका वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नोटिस ले लिया। एक मरतबा फिर इलाका मकीनों ने पाकिस्तान क्वार्टर्स के दाखिली रास्ते रुकावटें लगाकर बंद कर दिए। इस मौके पर पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों की पुलिस से हाथापाई हुई। मुजाहरीन ने पुलिस पर पथराव किया, जबकि पुलिस ने मुजाहरीन पर शेलिंग की और लाठी चार्ज करते हुए मुतादित मुजाहरीन को हिरासत में ले लिया। वाटर कैनन के जरिए मुश्तइल मुजाहरीन को मुंतशिर करने की कोशिश भी की गयी। पुलिस ने मुजाहरीन पर लाठी चार्ज करते हुए उन्हें पीछे धकेल दिया और पाकिस्तान क्वार्टर जाने वाली सड़क को खाली करा लिया। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी के साथ खवातीन पुलिस एहलकार भी पाकिस्तान क्वार्टर्स और अतराफ में मौजूद हैं। बाद में पुलिस और मुजाहरीन में मुजाकरात भी हुए। मुजाहरीन के पथराव के नतीजे में 6 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जबकि पुलिस के लाठी चार्ज, आंसू गैस, शेलिंग और वाटर कैनन के इस्तेमाल से 10 मुजाहरीन भी जख्मी हुए। इस दौरान पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग भी की गयी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एहतजाज करने वाले रिहायशियों पर पुलिस के लाठी चार्ज, आंसू गैस, शेलिंग और वाटर कैनन के इस्तेमाल का नोटिस ले लिया। वजीर आला सिंध ने पुलिस पर बरहमी का इजहार करते हुए एडिशनल आईजी को टेलीफोन किया और इलाके से पुलिस को फौरी वापस बुलाने का हुक्म देते हुए कहा कि आवाम के साथ ऐसा रवैया इंतहाई तकलीफ देह है। मुराद अली शाह ने एडिशनल आईजी से इस्तफसार किया कि ये क्या हो रहा है, खत्म करें ये सब जो आवाम की परेशानी का बाइस है। वजीर आला सिंध ने पुलिस हुक्काम को हिदायत की है कि ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए और एहतजाज करने वालों से सख्ती से ना निपटा जाए।